सो है दोस्तों, पिछले बार की तरह इस बार भी कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स के एग्जाम पेपर में 100 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे, जिनमें से केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का आंसर ओएमआर शीट में आप सभी को चिन्हित करना होगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का 100 ऐसा इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है। तो यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आप भी टारगेट रखते हैं मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम वीडियो को बारी बारी से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन से इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। है दोस्तों, पहला सवाल में बोला गया है कि 92/115 का सरलतम रूप क्या होता है। तो यहाँ पे 92/115 को 92 को आराम से 23 चौका कटा सकते हैं, यानी इसे 4 मरतबे कटा सकते हैं तो 23 चौका 192 हो जाएगा, और इसे 5 मरतबे कटा दीजिएगा तो 23 बचे 115 हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका सरलतम रूप निकल के आएगा 4/5, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। तो मान लेते हैं 1/2 एक परिमेय संख्या है और 3/3 भी एक परिमेय संख्या है, तो ये 2 परिमेय संख्याओं के बीच में हम अनंत परिमेय संख्या लिख सकते हैं। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अनंत परिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, तो बोला जा रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत होगा। आप सभी को बता दें कि किसी भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होने का आसान सा ट्रिक है कि उसका गुणनखंड में 2π/n इंटू 5π/n यदि आता होगा तो वैसे तमाम संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है। यहाँ पे 88 में देखिएगा तो 11/88 हो जाएगा, जिसमें 11 आने के कारण ये अशांत हो जाएगा, ये भी आपका अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन सी में देखिएगा ना, तो 15/1600 दिया गया है और 1600 का यदि आप गुणनखंड करेंगे तो केवल 2 के अलावा कोई अन्य संख्या ना आने के कारण 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 को देखिए, तो यहाँ पर क्वेश्चन 4 कह रहा है कि बहुपद dy² + by + a के शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा, कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स में जब भी शून्यकों का गुणनफल बोला जाता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं अल्फा इंटू बीटा, जिसका फॉर्मूला होता है c/a। क्या होता है दोस्तों, तो c/a होता है। c का मान यहाँ पे देखेंगे तो a दिखाई दे रहा है ना, तो आप a लिखेंगे। a की जगह पे यहाँ पे d दिया गया है तो आप d लिखेंगे। यानी कुल मिलाकर आसान भाषा में कहे तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल c/a का जो मान आने वाला है वो a/d होगा। a/d ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन 5 कहता है कि √18 का परिमेयकरण गुणांक क्या हो जाएगा। दोस्तों √18 का परिमेयकरण गुणांक हमसे बोला गया है, तो हम इसका गुणांक कैसे करेंगे, तो देखिए √18 दिया गया है, इसके नीचे एक छिपा होगा। अब इसका परिमेयकरण गुणांक करने के लिए हम लोग √18 से इसे गुणा करेंगे और √18 से ही भाग करेंगे। तो देखिए √18 में √18 से गुणा करेंगे तो ये 18 हो जाएगा, फिर बटा में √18 हो जाएगा, फिर इसका गुणांक करेंगे हम √18 से इस प्रकार से, तो √18 फिर से लिखेंगे 18। दोस्तों आप ही बताइए, 18 में √18 से गुणा कीजिएगा तो जाहिर सी बात है 18 √18 आ जाएगा, फिर √18 में √18 से गुणा कीजिएगा तो केवल 18 आएगा। 18 से 18 कटा भी दीजिएगा तो आपको केवल √18 प्राप्त होगा। इससे हमें ये पता चल रहा है कि किसी भी अपरिमेय संख्याओं का यदि हम परिमेयकरण करते हैं ना, तो जितना संख्या का परिमेयकरण करते हैं उतना ही संख्या उस क्वेश्चन का सही जवाब आ जाता है। अतः हम कह सकते हैं √18 का परिमेयकरण गुणांक √18 ही होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 6 को देखिए, क्वेश्चन 6 आगे मैट्रिक एग्जाम पेपर में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि सबसे छोटी आभास संख्या कौन सी होती है। जैसा कि आप सभी को बताया जाता है कि वैसी संख्या जो स्वयं तथा एक से विभाजित होती होगी, वैसे तमाम संख्याओं को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। जैसे 3 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये जितनी भी संख्याओं का उदाहरण हम आप सभी को दे रहे हैं, ये ऐसी संख्या है जिसमें स्वयं से भाग लगती है या एक से भाग लगती है। ये दोनों अन्य संख्याओं के अलावा कोई अन्य संख्या से भाग नहीं लगने के कारण ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग आभास संख्या कहते हैं। तो देखिए सबसे छोटी आभास संख्या जो होती है वो 2 होती है, उससे बड़ी 3 होती है, उससे बड़ी 5 होती है। तो इस प्रकार से आभास संख्याओं का विस्तार होते चला जाता है। तो यहाँ भी सबसे छोटी आभास संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों, तो 2 हो जाएगी।
उसके बाद में आइए अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देखते हैं। बोला जा रहा है कि यदि a बराबर b की प्लस r जहां a और b धनात्मक पूर्णांक हो तो कौन सा कथन यहां पे सत्य हो जाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, जब भी भाज बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल की बात करते हैं, जहां a और b धनात्मक पूर्णांक होते हैं ना, तो वहां पे शेष का मान यहां पे भाजक के मान से छोटा हो जाता है, यानी r ग्रेटर देन b इस प्रकार से लिख सकते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल हमसे पूछता है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। दोस्तों परिमेय संख्या हम लोग वैसे संख्याओं कहते हैं जिसे हम p बटा क्यूब के रूप में लिख सकते हैं, और क्यूब का मान जीरो के मान के बराबर नहीं हो, ऐसे तमाम संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो, उसका वर्गमूल हो जाता हो, तो ऐसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। पहला ऑप्शन चलिएगा तो पहला तो परिमेय संख्या, लेकिन यह अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या योगफल जो है अपरिमेय संख्या होता है, तो यह अपरिमेय हो गया। रूट अंडर 7 का भी वर्गमूल नहीं होता है, अपरिमेय हो गया। रूट अंडर 8 का भी वर्गमूल नहीं होता है, तो ये भी अपरिमेय हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा तो रूट अंडर 5 से रूट अंडर 5 को कटा सकते हैं, तो केवल यहाँ पे 6 बचेगा, और 6 एक ऐसी संख्या जिसके नीचे एक बार रहता है, जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, और q का मान 0 के मान के बराबर भी नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन डी में दिया गया 6 रूट अंडर 5 बटा रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 9 को देखिए। क्वेश्चन 9 के मैट्रिक एग्जाम पेपर में, हालांकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया गया है। तो बोला गया कि द्विघात समीकरण, देखिए ध्यान से, द्विघात समीकरण सॉरी द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35 के शून्य क्या हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका शून्य ज्ञात कीजिएगा। शून्य ज्ञात करने पे दोनों जो x का मान आता है ना, ये दोनों ऋणात्मक आ जाता है, दोनों माइनस में आ जाता है। कैसे कीजिएगा, तो 5 सत्य 35 होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे कर दीजिएगा 5x, और यहाँ पे कर दीजिएगा 7x, तो 7 × 5 = 12 भी हो जाएगा, 7 × 5 = 35 भी हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 35 कर दीजिएगा। उसके बाद में दोनों में यहाँ से x कमन कर लीजिएगा, तो दोस्तों यहाँ पे x प्लस 5 बचेगा, यहाँ से आप 7 कमन करते हैं तो भी बचेगा x प्लस 5। उसके बाद में देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे 7 है, दोनों को एक साथ लिखिएगा तो x प्लस 7 हो जाएगा। x प्लस 5 दोनों में उभयनिष्ठ है, यानी दोनों में कमन है, तो दोनों में से कोई x एक लिख लेंगे x प्लस 5। आप ही बताइए, x प्लस 7 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 7 हो जाएगा, उसी प्रकार से x प्लस 5 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 5 हो जाएगा। यहाँ पे आपने देखा माइनस 7 आ गया है, और यहाँ पे भी माइनस 5 आ गया है, दोनों संख्या ऋणात्मक आने के कारण हम कह सकते हैं दोनों का जो शून्य हो जाएगा वो दोनों ऋणात्मक होगा, यानी दोनों माइनस में होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 10 में बोला गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। दोस्तों अपरिमेय संख्या वैसे संख्याओं कहेंगे जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल भी ना होता हो। ऑप्शन ए को देखिएगा तो एक सव्यकेश दिया गया है, दोस्तों एक सव्यकेश का 11 वर्गमूल होता है, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। ऑप्शन बी में दिया गया 196, 196 का 14 होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या हो गया। ऑप्शन डी में दिया गया 279, 279 का वर्गमूल 17 होता है, तो ये भी परिमेय संख्या हो गया, लेकिन हमें चाहिए अपरिमेय संख्या। और दोस्तों ऑप्शन सी में दिया गया रूट अंडर 27, जिसका कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण हम कह सकते हैं रूट अंडर 27 एक अपरिमेय संख्या है। अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देखिए, कह रहा है कि 5y² - 25 के शून्य ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो दोस्तों 5y² - 25 है, तो बराबर उधर जाकर ये +25 हो जाएगा, फिर y² बराबर यदि आप 25 लिखते हैं तो 5 यहाँ पे जो गुना में था ये भाग में आ जाएगा 5। उसके बाद में इसे आसानी तरीके से कटा सकते हैं, 5 × 25 कटा सकते हैं। उसके बाद में y² हटाइएगा तो प्लस माइनस में 5 पे रूट आ जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि y का जो मान होगा यानी शून्य जो हो जाएगा ये प्लस रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 5 हो जाएगा। तो प्लस रूट अंडर 5 और माइनस रूट अंडर 5 ऑप्शन सी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देखिए, कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -40 है, तो द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए। आप सभी को द्विघाती बहुपद का फॉर्मूला याद रखना बेहद जरूरी है। फॉर्मूला कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स होता है, और प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो दोस्तों फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का जो मान है ना वो कितना है, 3 है, इसके साथ एक्स लगा देते हैं, और प्लस में होता है अल्फा इंटू बीटा, और प्लस कीजिएगा तो लेकिन अल्फा इंटू बीटा का मान -40 है, तो प्लस और माइनस मिलकर -40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा।
अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देखिए, कह रहा है कि युगपत समीकरण एक्स प्लस टू वाई बराबर चार, टू एक्स प्लस चार वाई बराबर आठ का हल क्या हो जाएगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो क्वेश्चन 13 को ज्ञात करने का आसान तरीका है A1 बटा A2। A1 का मान x है यानी एक है, A2 का मान दो है, तो आप कर सकते हैं A1 बटा A2 का मान एक बटा दो आ गया। फिर ये दो है ये चार है, तो दो दूनी चार ये भी एक बटा दो मरते आ जाएगा। चार है आठ है, तो चार दूनी आठ ये भी एक बटा दो मरते आ जाएगा। तो यदि कोई भी समीकरण A1 बटा A2 और बराबर में आ जाता हो B1 बटा B2 फिर बराबर में आ जाता हो C1 बटा C2, याद रखिएगा कोई भी ऐसा समीकरण यदि A1 बटा A2 बराबर में B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 के बराबर यदि आ जाता होगा तो ऐसे तमाम समीकरणों का अनगिनत हल होता है यानी अनंत हल होता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, अनगिनत हल। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए दोस्तों, क्वेश्चन 14 कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस बी के शून्य एक दूसरे के व्युत्क्रम में हो तो b का मान क्या हो जाएगा। यहाँ पे b का मान आप सभी को बताना होगा। तो दोस्तों b का जो मान होगा वो माइनस एक होगा। इसका सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, इस पर हम एक पॉपुलर वीडियो बना देंगे। अगला सवाल कहता है कि एक अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से। यहाँ पे आपसे बोला गया है अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। दोस्तों एक वृत्त पर बना गया कोण जो होता है ना ये कितना डिग्री का होता है, तो ये पूरे 360 डिग्री का होता है। और यहाँ पे जो अर्धवृत्त का जो कोण कहा जाता है वो समकोण कहा जाता है। समकोण कितना डिग्री का होता है, तो 90 डिग्री यानी 90 डिग्री का होता है। तो हम कह सकते हैं अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है यानी समकोण होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 16 कहता है द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू जीरो के वास्तविक मूल नहीं है, कब नहीं इसका वास्तविक मूल हो सकता है। दोस्तों किसी भी समीकरण का मूल वास्तविक नहीं होने के लिए आसान सा फॉर्मूला कहा जाता है डी का जो मान है वो जीरो के मान से छोटा होना चाहिए। डी को हम लोग लिखते हैं बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी और यहाँ पे ग्रेटर देन जीरो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन डी में देने के कारण क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए, मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है सवाल। बोला गया कि यदि अल्फा तथा बीटा समीकरण 2x² - x - 6 = 0 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा + 1 बटा बीटा का मान क्या हो जाएगा। हे दोस्तों 1 बटा अल्फा + 1 बटा बीटा का सबसे पहले आप सभी को सोल्यूशन करना होगा, कैसे कीजिएगा। तो अल्फा बीटा कैल्शियम, यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। दोस्तों आप ही बताइए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होता है, सूत्र कितना होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। अल्फा इंटू बीटा बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सी बटा ए होता है। ए से एक हटा दीजिएगा तो माइनस बी बटा सी बचेगा। अब यहाँ पे समीकरण में देखिए कि बी का मान कितना है, दोस्तों बी का मान ऑलरेडी माइनस एक था तो माइनस और माइनस प्लस एक हो जाएगा। सी का मान माइनस छः होता तो माइनस छः लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से -1/6 इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है जो कि ऑप्शन डी में है, अतः क्वेश्चन का सही जवाब -1/2 हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 18 को देखिए, कह रहा है कि समांतर श्रेणी 3, 4, 11, 18 डॉट डॉट का 21वां पद ज्ञात कीजिए। दोस्तों यहाँ पे आप सभी को 21वां पद ज्ञात करके बतलाना होगा, कैसे ज्ञात कीजिएगा। तो ऐसा कीजिए ए प्लस 21 में से कम कीजिए तो 20 हो जाएगा, 20 के साथ डी लगा दीजिए। ए का मान की बात करें तो प्रथम पद ए का मान होता है, ए का मान दोस्तों यहाँ पे 3 था तो आप 3 लिखेंगे। फिर 20 × d का मान, दोस्तों 4 में से 3 घटाइएगा तो 1 बचेगा, ठीक है, और यही आपका हो जाएगा d का मान। तो ऐसा कीजिए यहाँ पे 3 कर दीजिए, 20 में यदि आप 1 से गुणा करते हैं तो 20 हो जाता है, 20 और 3 23 हो जाता है, ठीक है। उसके बाद में आप सभी को एक ऐसा पद ज्ञात करना है तो a प्लस 20d इसको इस प्रकार से हालांकि बनता है, फिर भी इसमें ऑप्शन को देखिएगा तो इस प्रकार से नहीं आएगा, तो आपको इस प्रकार से नहीं बनाना होगा। कैसे बनाइएगा, तो इक्वेशन का फॉर्मूला आता है यहाँ 20वां 21वां पदों का योग बोला गया है, लेकिन क्वेश्चन में गलत छाप दिया गया है पद बोला गया। जब पद बोला जाएगा तो इसका मात्र 23 ही आंसर आएगा, लेकिन 21वां पदों का योग बोला जाएगा तब इसका 137 आंसर आएगा। जल्दी से बना के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन 19 के माध्यम से बोला गया कि निम्नलिखित समीकरणों में द्विघात समीकरण कौन सी है। दोस्तों द्विघात समीकरण पहचानने का आसान तरीका होता है कि कोई भी ऐसा चर हो, ध्यान दीजिएगा, कोई भी ऐसा चर हो जो बटा के अंदर हो द्विघात समीकरण नहीं हो सकता है, बटा में हो नहीं हो सकता है, रूट में चर हो नहीं हो सकता है। तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो जाने पर ऑप्शन ए यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब निकल कर आ जाता है। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 20 को देखिए, तो दोस्तों क्वेश्चन 20 भी आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन 20 कहता है कि समांतर श्रेणी 80, 76, 72
को वहाँ 68 डॉट डॉट का कौन सा पद जीरो होगा, कौन सा पद जीरो होता है ना, वो एन का मान होता है। और यहाँ पे आपसे एन का मान बोला गया है, तो एन आपका जो फॉर्मूला होता है वह होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन गुणे डी होता है। एन की जगह पे जीरो लिख दीजिएगा, उसके बाद में एक जगह पे 80 लिखिएगा, प्लस एन माइनस वन और गुणे डी का मान, डी कैसे निकालिएगा तो 76 में से 80 कर दीजिए तो माइनस चार हो जाएगा, उसके बाद में जीरो प्लस 80 है तो माइनस 80 हो जाएगा, यहाँ पे गुना माइनस चार है तो ये भागा माइनस चार हो जाएगा, तो 20 चौका 80 ये आपका 20 मरते कट जाएगा, इधर n माइनस वन बचेगा। इसी आप n बराबर यदि आप 20 लिखते हैं तो माइनस एक जो है ये प्लस एक हो जाएगा, और 20 एक इक्कीस होता है, अतः हम कह सकते हैं कि इसका जो इक्कीसवां पद होगा ना वो शून्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में भी दिया जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो लंबी ना हो जिस कारण मैं आज की इस वीडियो में इस मॉडल पेपर का केवल 20 ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन कर पाया हूँ। आगे आने वाली वीडियो सीरीज में हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर पूरे 100 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सोल्यूशन लाएंगे। उम्मीद है आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जितने भी स्टूडेंट चाहते हैं 10वीं कक्षा के सभी सेट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन का PDF फ्री में डाउनलोड करना, तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, सभी सेट का PDF का लिंक दे दिया गया है, तो वहाँ से आप जाके मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के साथ साथ आप हमारे वेबसाइट questionforexam.com पे जाकर ऑनलाइन बहुत ही बढ़िया तरीके से स्टडी भी कर सकते हैं। तो है दोस्तों, मैं मुकीम अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए VBI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।